प्यारे विद्यार्थियों, आरसीआई एजुहब बानसूर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, लेसन नंबर 4, फर्म का समापन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसी चैप्टर में इससे पहले टॉपिक समझाया था साझेदारी फर्म के विघटन का अर्थ, अर्थात साझेदारी फर्म के समापन का अर्थ। तो वहाँ मैंने बताया था कि यदि किसी भी फर्म के समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी समाप्त हो जाती है तो उसे कहते हैं साझेदारी फर्म का समापन। मान लीजिए एक फर्म में 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। अगर तीनों साझेदारों के मध्य साझेदारी समाप्त हो जाएगी तो उसे कहते हैं फर्म का समापन। लेकिन यहाँ नेक्स्ट टॉपिक आता है साझेदारी का समापन। साझेदारी के समापन का अर्थ यह है कि मान लीजिए एक फर्म में 3 साझेदार हैं, ए, बी, सी। अब किसी एक साझेदार का अन्य साझेदारों से, ए साझेदार का बी और सी से, या फिर बी साझेदार का ए और सी से, या फिर सी साझेदार का ए और बी से यदि संबंध टूट जाता है तो उसे कहते हैं साझेदारी का समापन। अब साझेदारी का जब समापन होता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि फर्म का समापन हो जाए। चाहे तो शेष साझेदार फर्म के कारोबार को चालू रख सकते हैं। कारण क्या है कि जब यदि एक साझेदार का अन्य साझेदारों से संबंध टूट जाता है तो यह साझेदार फर्म से निवृत्त हो जाता है या अवकाश ग्रहण कर लेता है, तो शेष साझेदारों के मध्य साझेदारी संलेख दोबारा से लिखा जाता है। क्योंकि जब किसी भी फर्म का गठन होता है तो समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी संलेख लिखा जाता है। उसी साझेदारी संलेख के आधार पर प्रत्येक साझेदार का व्यवसाय में, अर्थात साझेदारी फर्म में अधिकार होता है। उसी साझेदारी संलेख में दिए गए लाभ हानि अनुपात के आधार पर ही समस्त साझेदारों को लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। उसी साझेदारी संलेख के आधार पर ही समस्त साझेदारों को साझेदारी फर्म में पूंजी लगानी पड़ती है। अब यदि किसी साझेदार का अन्य साझेदारों से संबंध खराब हो जाता है, संबंध टूट जाता है, तो फर्म का समापन नहीं हो पाता है, केवल साझेदारी का ही समापन हो जाता है। अब साझेदारी के समापन होने पर शेष साझेदार चाहे तो फर्म के कारोबार को चालू रख सकते हैं। देखिए साझेदारी फर्म का अर्थ क्या कहता है कि साझेदारी समापन का अर्थ यही है कि एक साझेदार का अन्य साझेदारों के साथ संबंध टूट जाता है। मान लीजिए ए साझेदार का बी और सी साझेदार से, या फिर बी साझेदार का ए और सी साझेदार से, सी साझेदार का ए और बी साझेदार से यदि संबंध टूट जाता है तो उसे साझेदारी का समापन कहते हैं, फर्म का समापन नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि फर्म का कारोबार बंद हो जाए। अगर समस्त साझेदारों की इच्छा है कि कारोबार को बंद कर दिया जाए तो समस्त साझेदारों की सहमति से फर्म के कारोबार को बंद किया जा सकता है। अन्यथा एक साझेदार के निवृत्त होने से या एक साझेदार का अन्य साझेदारों से संबंध टूट जाने के बाद शेष साझेदार फर्म के कारोबार को चालू रख सकते हैं। शेष साझेदार चाहें तो फर्म का कारोबार चालू रख सकते हैं। अब बात क्या आती है कि निम्न परिस्थितियों में फर्म और साझेदारी दोनों का समापन हो जाता है। फर्म का भी समापन हो जाएगा और साझेदारी का भी समापन हो जाएगा। ये तो तय है कि यदि फर्म का समापन हो गया तो साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। मान लीजिए ए, बी और सी तीनों साझेदार हैं, यदि तीनों साझेदारों का आपस में संबंध टूट जाता है, कौन संबंध? साझेदार का संबंध यदि टूट गया तो ऐसी स्थिति में साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ निम्न परिस्थितियों में फर्म और साझेदारी दोनों का समापन हो जाएगा। फर्म का भी समापन हो जाएगा और साझेदारी का भी समापन हो जाएगा। कब कब? नंबर एक परिस्थिति आती है कि जब सभी साझेदार फर्म को समाप्त करने का समझौता कर लें। मान लीजिए एक फर्म में 3 साझेदार ए, बी और सी। अगर तीनों साझेदार आपस में सहमति करके फर्म का समापन करना चाहते हैं तो तीनों साझेदारों की सहमति से किसी भी फर्म का समापन किया जा सकता है। कंडीशन नंबर 2, जब सभी साझेदार या एक साझेदार को छोड़कर अन्य सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं। मान लीजिए किसी फर्म में 3 साझेदार हैं, या तो ए नाम के साझेदार को छोड़कर, एक साझेदार को छोड़ दिया, शेष साझेदार बी और सी दिवालिया हो गए, या फिर सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं। दिवालिया को अंग्रेजी में बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अगर समस्त साझेदार
दिवालिया हो जाएं या फिर एक साझेदार को छोड़कर अन्य सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में स्वतः ही फर्म का समापन हो जाएगा और फर्म का समापन होते ही स्वतः ही साझेदारी का भी समापन हो जाएगा। कंडीशन नंबर 3, जब फर्म का कारोबार अवैध हो जाए, अवैध का मतलब अनलीगल, जब किसी भी फर्म का कारोबार अनलीगल तरीके से चलाया जा रहा हो, अनलीगल चलाया जा रहा हो अर्थात अवैध हो जाए, अर्थात जैसे मान लो बिना लाइसेंस के चल रहा हो, अवैध तरीके से यदि कोई भी व्यवसाय चल रहा हो, ऐसी स्थिति में सबसे पहले साझेदारी फर्म का समापन होता है और साझेदारी फर्म का समापन होते ही साझेदारी का स्वतः ही समापन हो जाता है। नंबर 4, जब किसी साझेदार ने ऐच्छिक साझेदारी को समाप्त करने की सूचना अन्य साझेदारों को दे दियो। देखिए, एक साझेदारी के प्रकार में आता है ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी का अर्थ होता है इच्छा के अनुसार साझेदारी, अर्थात जब भी चाहे समस्त साझेदारों की सहमति से साझेदारी को समाप्त किया जा सकता है, उसे कहते हैं ऐच्छिक साझेदारी। उसकी कोई समय सीमा नहीं होती, वो साझेदारों की सहमति के आधार पर ही उसका गठन होता है और सहमति के आधार पर ही उसका समापन होता है। तो ऐच्छिक साझेदारी, मान लीजिए तीनों साझेदारों के मध्य ऐच्छिक साझेदारी है, अब ऐच्छिक साझेदारी के आधार पर एक साझेदार ने, मान लीजिए ए ने समस्त को, बी और सी को भी साझेदारी समाप्त करने का जो है सूचना दे दियो, साझेदारी को समाप्त करने की सूचना दे दियो, तो साझेदारी समाप्त करने की सूचना देने पर समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी समाप्त हो जाएगी और समस्त साझेदारों के मध्य यदि साझेदारी समाप्त हो जाती है तो फर्म का समापन स्वतः हो जाता है। नंबर अगला, जब न्यायालय द्वारा फर्म के समापन का आदेश दे दिया हो, अर्थात किसी एक साझेदार ने फर्म के समापन के लिए न्यायालय में यदि परमिशन मांगी हो, न्यायालय से यदि परमिशन मांगी हो और न्यायालय ने यदि आदेश दे दिया हो कि फर्म का समापन किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में समस्त साझेदारों के द्वारा किसी भी फर्म का समापन किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, फर्म के समापन के प्रकार। फर्म का समापन कितने प्रकार से किया जा सकता है, कितने प्रकार से फर्म का समापन हो सकता है, अर्थात फर्म के समापन के समय कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, देखिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 से 44 के अनुसार फर्म के समापन के प्रकार निम्न है, अर्थात फर्म के समापन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, अर्थात निम्नलिखित परिस्थितियों में फर्म का समापन हो सकता है। नंबर 1 आता है अपने पास समझौते द्वारा फर्म का समापन। समझौते द्वारा फर्म का समापन अर्थात डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय एग्रीमेंट, कहने का अर्थ है कि समस्त साझेदारों के मध्य जो साझेदारी संलेख लिखा गया है, जो साझेदारों के मध्य जो समझौता हुआ है, उस समझौते के आधार पर फर्म का समापन किया जा सकता है। मान लीजिए समझौते के आधार पर 5 साल के लिए साझेदारी तय की गई थी, तो 5 वर्ष पूरे होते ही साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो समस्त साझेदारों के मध्य जब स्वतः साझेदारी समाप्त हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में फर्म का समापन स्वतः हो जाएगा। और समस्त साझेदारों के मध्य जब साझेदारी समाप्त होगी और फर्म का समापन होगा तो व्यावसायिक क्रियाएं फर्म की बंद कर दी जाएंगी। अगला आता है अनिवार्य रूप से समापन। अनिवार्य रूप से समापन का अर्थ है कि जब समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी तो समाप्त होनी है, लेकिन अनिवार्य रूप से का मतलब यह है कि साझेदारी समाप्त होने के बाद ही फर्म को संचालित नहीं रखा जा सकता, फर्म का समापन हो जाता है। जितने वर्ष के लिए साझेदारी को तय किया गया था, गठन हुआ था, उतने वर्ष के लिए साझेदारी सुचारू रूप से चलती रही, लेकिन अब उसको अनिवार्य रूप से फर्म को बंद करना पड़ेगा। उसकी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। अब जितने ही प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं आपके पास फर्म के समापन के, इन प्रकारों की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं कि समझौते द्वारा फर्म का समापन किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, अनिवार्य रूप से फर्म का समापन किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, नोटिस द्वारा फर्म का समापन किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, और न्यायालय द्वारा फर्म का समापन किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, विशेष घटना के घटने पर फर्म का समापन किन परिस्थितियों में हो सकता है, इन सबकी परिस्थितियां अलग अलग दी गई है। यह हमारे पास मुख्य बिंदु है, इनके नीचे अलग से बिंदु और दिए गए हैं, अलग से परिस्थितियां दी गई हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फर्म का समापन किया जाता है। नेक्स्ट आता है नोटिस द्वारा फर्म का समापन। जब समस्त साझेदारों के मध्य नोटिस के आधार पर फर्म का समापन का आदेश आता है, अर्थात नोटिस आता है, तो फर्म का समापन हो जाता है।
न्यायालय द्वारा फर्म का समापन, न्यायालय द्वारा फर्म के समापन का आदेश दे दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में फर्म का समापन हो जाता है। और विशेष घटना के होने पर फर्म का समापन, जब किसी भी फर्म का समापन किसी विशेष प्रकार के घटना के घटित होने पर होता है, तो उसे विशेष घटना के होने पर फर्म का समापन किया जा सकता है। अब ये जो अपने पास बिंदु है, इन बिंदुओं के नीचे विभिन्न परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब अगले टॉपिक में जब पढ़ेंगे तो हम इनकी जरूर परिस्थितियां होंगी, उनको परिभाषित करते हुए पढ़ेंगे। तो क्या क्या परिस्थितियां होंगी वो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक।